अस्सलाम-ओ-अलैकुम क्रिएटिव राइटिंग की सेकंड एक्सरसाइज बैच 7 की अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। लर्निंग आउटकम ये है कि प्रोफेशन ईमेल किस तरह से लिखी जाती है, अपने जो है वो नेटवर्किंग किस तरह से की जाती है, कोलैबोरेशन किस तरह से की जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको एक ईमेल लिखनी है अपने प्रीवियस क्लाइंट के साथ इन टच रहने के लिए, और मैक्सिमम ईमेल की जो लेंथ है वो 100 to 150 वर्ड्स तक होनी चाहिए। टास्क आपके ये हैं कि आपने ईमेल लिखनी है टू स्टे इन टच विद योर प्रीवियस क्लाइंट, और सेकंड है कि मेक श्योर करना आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है अपनी ईमेल के लिए। आपने अपना जो जिस भी अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप जो है जहाँ पे भी आपका क्लाइंट है, जिस भी वेबसाइट पे वो आपने मेंशन करने हैं, उसके बाद आपने जो है वो एक अच्छे वे में, प्रोफेशनल वे में ईमेल जो है वो लिखनी है। उसके बाद आपने जो है वो वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो, अगर कोई लिंक है तो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। ऊपर कोर्स का नाम, देन एक्सरसाइज बैच और टास्क। सबसे पहले तो हमारा अगर सब्जेक्ट किया जाए, रिकनेक्टिंग एंड कंटिन्यूइंग आवर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इसके अलावा भी हो सकता है फॉर द कोलैबोरेशन, इस तरह से जो भी, अगर आपको समझ नहीं आती आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी सब्जेक्ट लाइन जो है वो लिखवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रीवियस क्लाइंट था उसका नाम था इस्माइल, कुछ आगे था लेकिन मुझे जो है वो इस्माइल याद है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, डियर इस्माइल, आई ट्रस्ट दिस मैसेज फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। इट हैज़ बीन सम टाइम सिंस आवर लास्ट कोलैबोरेशन एंड आई होप दैट दिस ईमेल सर्व्स यू एज अ जेंटल रिमाइंडर ऑफ द पॉजिटिव प्रोफेशनल Report we once shared. Reflecting on our past projects together, I am reminded of the seamless synergy and mutual dedication we brought to the table. Your discerning feedback and constructive engagement were instrumental in the success of our endeavors, for which I remain appreciative. As I persist in my freelance endeavors, I wish to reaffirm my commitment to excellence and client satisfaction. You may be interested to know that I maintain an active presence on reputable freelancing platforms such as TrueLance, DesignCrowd, Fiverr, freelancer.com, where I continue to accept my new commission and assignment. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 3 बुलेट्स पॉइंट थे ना टास्क के, वो कंप्लीट हो गए कि हमने जो है वो एक अपने जो प्रीवियस क्लाइंट था उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए उसको ईमेल लिखनी है, ईमेल में जो है वो हमने बताना कि आप और कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है वो वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ जो है उससे रिलेटेड हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव इंक्लूडेड अ लिंक टू माय कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो। यहाँ पे जहाँ पे आपको डिज़ाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज़ माय पोर्टफोलियो लिंक। उसके बाद हेयर यू आर परस्यू अ सिलेक्शन ऑफ माय रीसेंट वर्क इन दी इंडिकेटिव ऑफ माय डेडिकेशन टू क्वालिटी एंड इनोवेशन। उसके बाद जी, सिंस आर लास्ट इंटरेक्शन आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ कम्प्लीटिंग 70 प्रोजेक्ट्स, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू माई प्रोफेशनल ग्रोथ एंड प्रोफिशिएंसी इन आर शेयर डोमेन। तो ये वाला हमारा जो क्राइटेरिया था वो भी कंप्लीट हो गया। आपने ये बताना था कि आपने जो है वो कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। उसके बाद आई वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू ट्री कनेक्ट एंड डिस्कस एनी पोटेंशियल एवेन्यूज फॉर कोलैबोरेशन दैट मे अलाइन विद योर करंट ऑब्जेक्टिव्स। Should you find it agreeable, I am available for a brief call or meeting at your earliest convenience. Thank you for considering the prospect of rekindling our professional relationship. I look forward to the possibility of further collaboration and mutual success. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारी ईमेल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपने वार्म रिगार्ड्स लिखना है और अपना नाम लिखना है, देन आपने जो है वो वहाँ पे अपना जो ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट ईमेल है, वो आपने प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, जैसे आपने लास्ट प्रोवाइड किया था। तो उसके बाद आपकी जो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, और टास्क अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा तमाम क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई हो जाता है। ईमेल लिख ली टू इन टच विद योर प्रीवियस क्लाइंट, उसको रिमेंबर कराने का आपने जो था उसके साथ काम किया था।
सेकंड में आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी थी वो आपने लिख ली, थर्ड में आपने जो है वो कितने और प्लेटफॉर्म्स फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से आप जो है वो काम करते हैं, एक्टिव है, ऑर्डर्स लेते हैं, उसके बाद जो है वो राइटिंग एटिकेट जो है वो आपका इनकॉपरेटिव होना चाहिए, उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो लिंक है अगर तो आप शेयर कर दें, अगर आपने के पास नहीं है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसको आपने बताना है कि आपने जो है वो कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी तक कंप्लीट किए हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो ये सारी जो थी वो हमारी एक प्रोफेशनल ईमेल थी, तो ये हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली। आपने भी इसी तरह से करनी है, थोड़ा सा इसको स्लो डाउन कर लीजिएगा, फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अगर आप लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग अगर आप सीख रहे हैं और इसको जो है इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऊपर आपको लोगों में एक चैनल नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है अनवित सहरा, उसके ऊपर जाएं और जाके उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें। वहाँ पे अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर किए गए हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, जहाँ पे आपको जो है वो अभी तो आप कोई जो स्किल है जो आप क्रिएटिव राइटिंग सीख रहे हैं वो पॉलिश होएगी, फिर आप काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर शायद ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया गया है जहाँ पे आप जो है वो एट अ बेसिक लेवल जो है वो काम कर सकते हैं, जिसमें स्कैम का कोई इशू नहीं है, फ्रॉड नहीं होते हैं, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, ईजिली आपकी जो है वो इनकम आती है, ठीक है, और आप ईजिली जो है वो वहाँ से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वहाँ पर जाएँ और ख़ुद को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट करें, अभी आपके पास जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो, और जो सोल्यूशन फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थोड़ी सी देर के बाद। मैं कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो है वो ई मेल लिखें, अगर मैंने जो है वो सिर्फ आपको एज अ सैम्पल बता दिया, बाकी अगर आप मेरी कॉपी करते हैं तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं होएगा, इसलिए आइडिया जो है वो इस वीडियो से ले लें, और लिखना जो है वो आपने खुद ही है, आपसे यही मेहरबानी होगी आपकी खुद के लिए जो है वो आपने करना, मेरे लिए कुछ नहीं करना। और दूसरे के साथ वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी जो है वो पता चल सके कि उन्होंने जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से सॉल्व करनी है, किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, और दूसरों का भी भला हो जाए, आपके साथ साथ अपने तक इल्म महदूद रखने से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता। और अल्लाह हाफ़िज़।